Hello students and dear friends, today we have a topic, Lenz's law and conservation of energy. Today we have to find out that Lenz's law obey the conservation of energy. आज ये हम find out करेंगे हम कि Lenz's law जो है वो obey करता है conservation of energy को. Conservation of energy means energy neither be created nor destroyed but transferred from one form into another form. एनर्जी न क्रिएट होती है न डिस्ट्रॉय होती है, खत्म होती है, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज आती है. तो आज का आपका टॉपिक जो है वो ये कह रहा है कि लेंज लॉ जो हमारा जो है वो ओबे करता है, किसको ओबे करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है. तो लास्ट टॉपिक आपने लेंज लॉ पढ़ा है. लेंज लॉ हमें डायरेक्शंस को फाइंड आउट करके देता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शंस कहां की तरफ होती है, और वो हमने वहां पर पढ़ा था कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोज द कॉज विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा अपोज करती है उस कॉज को जो कॉज इंड्यूस्ड ईएमएफ को प्रोड्यूस करता है. तो ये हमने लेंज लॉ में पढ़ा था. तो लेंज लॉ अभी जो मैंने कहा आपको सिर्फ डायरेक्शन हमें बोलता है इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन कहां की तरफ होती है, और वो हमें ये कह रहा है कि डायरेक्शन जो हमारे पास इंड्यूस्ड ईएमएफ की होती है वो अपोज करता है उस कॉज को जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करता है. वो लेंज लॉ में हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है. आज जो हमें ये टॉपिक जो कह रहा है कि लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे करता है, तो वही मैंने लिखा है यहां पर, लेंज लॉ ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. देखिए यहां पर मैंने दो डायग्राम्स बनाकर रखी हैं, दो सर्किट्स यहां पर हैं, ये कॉइल है यहां पर और कॉइल के साथ मैंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, दूसरी कॉइल यहां पर है और यहां पर मैंने गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है. तो देखिए जब एक्सपेरिमेंट किया गया, व्हेनेवर द मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स द कॉइल, देखिए यहां पर एरो जो नीचे की तरफ लिया है कि मैग्नेट्स को मैंने मूव कराया कहां की तरफ, कॉइल की तरफ. तो जो ही मैग्नेट्स को मूव कराते हैं कॉइल की तरफ, हमने लेंज लॉ में पढ़ा है जो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है वो अपोज करेगा, किसको अपोज करेगा, किसको, मैग्नेट्स के मोशंस को अपोज करता है, क्योंकि मैग्नेट्स नीचे की तरफ मूव कर रहा है, मूव टुवर्ड्स द कॉइल. अब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ इसमें प्रोड्यूस होगा उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से जो करंट इसमें फ्लो करेगी वो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगी. उस एंटी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन जो हमें कैसे लगेगा पता, यहां पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, यहां पर ये सुई है, ये डिफ्लेक्शन शो करेगा कहां की तरफ, लेफ्ट की तरफ. तो जब हमारे पास करंट एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है तो हमारे पास कॉइल का अपर फेस नॉर्थ हो जाता है, कॉइल का लोअर फेस साउथ हो जाता है, जो यहां पर रिप्रेजेंट किया है मैंने. तो देखिए कॉइल का जब अपर फेस नॉर्थ हो जाएगा, मैग्नेट्स नीचे की तरफ मूव कर रहा है, मैग्नेट्स का नीचे वाला फेस भी नॉर्थ है, नॉर्थ नॉर्थ आपस में रिपेल करते हैं, तो मैग्नेट्स हमेशा जब रिपेल करेगा तो मैग्नेट्स भी अपर डायरेक्शन में मूव करेगा. तो यहां पर वही लिखा है, व्हेन मैग्नेट मूव टुवर्ड्स द कॉइल अपर फेस ऑफ द कॉइल बिकम नॉर्थ एंड लोअर फेस साउथ पोल. जब हम मैग्नेट्स को मूव कराएंगे नीचे की तरफ तो कॉइल का अपर फेस नॉर्थ हो जाएगा और कॉइल का लोअर फेस साउथ हो जाएगा. तो नॉर्थ नॉर्थ क्या करते हैं, आपस में रिपेल करते हैं, तो मैग्नेट्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. तो यहां पर क्या होगा, वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल. तो देखिए यहां पर नॉर्थ नॉर्थ तो हमारे पास क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो हमें वर्डन करना पड़ेगा मैग्नेट्स को कहां की तरफ, नीचे की तरफ लाने में. समझे आप, वर्क हैज टू बी डन टू मूव द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करते हैं तो हमें अगेंस्ट द रिपल्शन हमें वर्डन करना पड़ेगा. समझे आप, मैग्नेट्स को नीचे की तरफ लाना पड़ेगा. समझे आप, क्योंकि यहां पर नॉर्थ नॉर्थ क्या कर रहे हैं, रिपेल करते हैं. इसका मतलब यहां पर भी हमें मैकेनिकल वर्डन करना पड़ेगा. जब मैग्नेट्स को नीचे की तरफ लाएंगे तो हमारे पास क्या होगा, यहां पर हमारे पास वर्डन करना पड़ेगा हमें मैग्नेट्स को कहां की तरफ, टुवर्ड्स द कॉइल, कॉइल की तरफ लाने में. समझे आप. अब देखिए दूसरा केस लिया है मैंने, ये पहला केस है जब मैग्नेट्स को नीचे की तरफ हमने मूव कराया. अब जब नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेंगे तो मैग्नेट्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. जब मैग्नेट्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो यहां पर हमारे पास जो करंट जो फ्लो करेगी वो क्लॉकवाइज फ्लो करेगी, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा राइट की तरफ, तो जो यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो अपोज करेगा, जो हमने लेंज लॉ में पढ़ेगा मैग्नेट्स के मोशंस को अपोज करेगा. तो इस केस में क्या होता है, जब मैग्नेट्स मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में तो कॉइल का अपर फेस साउथ हो जाता है, लोअर फेस नॉर्थ हो जाता है. तो जो ही कॉइल का अपर फेस साउथ हो जाएगा और लोअर फेस नॉर्थ हो जाएगा, तो आपको पता है मैग्नेट्स का लोअर फेस नॉर्थ है, कॉइल का अपर फेस साउथ हो जाएगा, तो नॉर्थ और साउथ क्या करते हैं,
अटैक करते हैं, तो इस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, वर्डन करना पड़ेगा, क्या वर्डन करना पड़ेगा, वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग द मैग्नेट्स अवे फ्रॉम द कॉइल। तो देखिए यहां पर हमारे पास अट्रैक्शन हो रही है, तो अब हमें अगेंस्ट द अट्रैक्शन हमें वर्डन करना पड़ेगा मैग्नेट्स को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने के लिए। क्लियर हो आपको? क्योंकि जो वर्डन करना है हमने वो अगेंस्ट द फोर्स करना है। यहां पर फोर्स ऑफ रिपल्शन है, तो यहां पर हमें वर्डन करना पड़ेगा रिपल्शन के अगेंस्ट, समझे आप, एक्सटर्नल वर्डन। तो यहां पर हमारे पास क्या है, अट्रैक्शन है, तो यहां पर वर्डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द अट्रैक्शन, यहां पर अगेंस्ट द रिपल्शन, यहां पर अगेंस्ट द अट्रैक्शन। तो दोनों केसेस में हम देख रहे हैं मैग्नेट्स पर वर्डन हो रहा है, समझे आप, मैग्नेट्स पर वर्डन हो रहा है। तो यहां पर भी हमारे पास जो मैंने अभी यहां पर देखी, हमारे पास मैग्नेट मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन, जब भी मैग्नेट मूव करेगा अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अपर फेस ऑफ कॉइल बिकम साउथ पोल, कॉइल का अपर फेस साउथ हो जाएगा एंड लोअर फेस नॉर्थ पोल, और इसका लोअर फेस क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा। वर्क हैज टू बी डन इन मूविंग द मैग्नेट्स अवे फ्रॉम द कॉइल, और यहां पर भी हमें वर्डन करना पड़ेगा मैग्नेट्स को कॉइल से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराने के लिए। तो देखिए कॉइल जब मैग्नेट्स को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराएंगे, यहां पर अट्रैक्शन है, तो अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्डन करना पड़ेगा। यहां पर देखिए, यहां पर हमारे पास क्या है, रिपल्शन है, तो नॉर्थ नॉर्थ क्या करते हैं, रिपल करते हैं, तो इसके अगेंस्ट हमें वर्डन करना पड़ेगा मैग्नेट्स को मूव कराना पड़ेगा, कहां की तरफ, टुवर्ड्स द कॉइल की तरफ। इसका मतलब दोनों केसेस में हमें वर्डन करना पड़ रहा है। तो इसका मतलब यही वर्डन जो हमारे पास, इसको बोलते हैं मैकेनिकल वर्डन, तो यही वर्डन जो होता है हमारे पास, यहां पर हम कहेंगे हेंस दिस वर्क डन get converted into electrical energy। यही वर्डन जो होता है हमारे पास जो है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। मैग्नेट्स को मूव कराएंगे हम अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेट जब मूव करेगा, ये इसका मतलब मैग्नेट्स पर वर्डन हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस कॉइल्स में जो कॉइल्स यहां पर रिप्रेजेंट किए हैं, इन कॉइल्स में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। जो ही इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा तो इसमें इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगी। तो इंड्यूस्ड करंट क्या होती है, ये करंट होती है जिस करंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका मतलब जो मैकेनिकल एनर्जी जो हमारे पास है वो कन्वर्ट हो रही है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि अब इसमें कॉइल्स में, इस कॉइल्स में या इस कॉइल में, दोनों कॉइल्स में करंट फ्लो कर रही है। वो करंट फ्लो किस वजह से कर रही है, जब हमने इस मैग्नेट्स पर वर्डन किया, ये मैग्नेट जो है अपवर्ड और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब मूव कर रहा है, मैकेनिकल वर्डन हो रहा है, यही मैकेनिकल वर्डन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें किसमें, इस कॉइल्स में मिल रही है। तो इसलिए हम यहां पर अब कह सकते हैं हेंस, अब यहां पर हम कह सकते हैं हेंस, हेंस लेंज ला ला ओबे द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब यहां पर हम कह सकते हैं कि लेंज ला जो है वो ओबे कर रहा है किसको, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे कर रहा है। क्लियर हो आपको? यहां पर हमारे पास जो है लेंस ओबे कर रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, इसका मतलब एक एनर्जी जो है वो दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी जो है, जो मैकेनिकल एनर्जी इस मैग्नेट्स पर हमने की, वर्ड मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास क्या है, वर्डन हम कर रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी हम कर रहे हैं, हम वर्डन कर रहे हैं हम किस पर, मैग्नेट्स पर। ये आपके पास एक मैकेनिकल एनर्जी है, वो कन्वर्ट हो रही है किस पर, वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको इन कॉइल्स में मिलेगी किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक करंट के फॉर्म में। तो मैकेनिकल एनर्जी कौन सी हुई, मैकेनिकल एनर्जी आपके पास यही एनर्जी है जिस एनर्जी के जरिए से हमारे पास क्या है, मैग्नेट जो है वो मूव कर रहा है अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम वो मैकेनिकल एनर्जी वर्डन के इक्वल होता है। तो वही वर्डन जो है, इसका मतलब वर्डन कर रहे हैं किस पर, मैग्नेट्स पर वर्डन कर रहे हैं, तो वही वर्डन जो है वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये था आपके पास, दैट वाज योर
कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका मतलब लेंज लॉ जो है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ओबे कर रहा है. एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय बट ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म एंड टू अनदर फॉर्म. इसका मतलब मैकेनिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो रही है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है. तो ये था आपका छोटा सा टॉपिक, दैट वॉज योर लेंज लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके, गुड बाय, थैंक यू.